अस्सलामुअलैकुम। अभी अभी भाई ने कमेंट करके हमें बताया है, शायद उनका नीडल खुल गई है, उनको नीडल को टाइट करना नहीं आ रहा है, या शायद नीडल रड खुल गई होगी तो उनको टाइट करने में समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं दोनों पे बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर नीडल रड खुल गई होगी तो मैं ये वाले बोर्ड को ढीला कर देता हूँ। नीडल रेड अगर खुल गई है तो ये बोल्ट को आप खोलना पड़ेगा आपको, ये वाले बोल्ट को, ये वाले बोल्ट को खोलना पड़ेगा। और सेटिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, अब इसको दम सबसे लास्ट ऊपर करेंगे ना, सबसे लास्ट ऊपर, अगर ये बोल्ट रड खुल गई है, नीडल रड अगर खुल के अगर वो बाहर हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे नाप लीजिए पहले। तो सब हम इसको खोल के दिखाते हैं, ये नीडल को खोल देते हैं। ये सात का पाना है, सात के पाना से ये नीडल खुलती है। तो बिल्कुल खोल लेंगे, ठीक है, और इसको नाप लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आधा इंच, देखिए आधा इंच एक पॉइंट, आधा इंच एक सूत है, इतना पे रख लीजिए सबसे ऊपर करके, और इसको टाइट कर लीजिए, ठीक है। और नीचे में कितना आएगी, देखिए नीचे में ये बिल्कुल एक बराबर हो जाएगी, जब सुई नीचे रहेगी ना तो बिल्कुल एक बराबर रहेगी। इतना भी कर लीजिए तो आपका टाँका भी सही रहेगी। अगर नीडल खुल गई है तो देखिए, मैं भी ये नीडल को बाहर कर लिया हूँ। ये देखिए, नीडल में बीच में खांच रहती है, खांच ये तरफ खांच नहीं रहती है, यहाँ प्लेन रहती है, ये खांच को ऐसे रहेगी सुई। तो हम सबसे पहले ये बोल्ट को फंसा लेंगे, थोड़ा टाइट कर लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे, और ये जो खांच वाला है इसको ऐसे पकड़ लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सुई को नीचे कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर का थोड़ा है ना गहरा हो गई है। अब इसको हम टाइट कर लेंगे, इसको खोल के पहले सीधा कर लेते हैं। अब इसको ओवरलॉक करके देखेंगे, तो ये कहीं पे टाँका पकड़ रही है, कहीं पे नहीं पकड़ रही, यानी सुई ज़्यादा ऊपर हो गई है, क्योंकि यहाँ इस बहुत दिन का है ये नीडल रड, मैं कभी चेंज नहीं किया हूँ, ये खुल भी नहीं रही है, ये जो बोल्ट है ना बिल्कुल घिस गई है, तो इसको खोलने में सपोर्ट नहीं बन रही है, इसके वजह से छोड़ दिया हूँ। तो हम थोड़ा सा नीडल को नीचे करेंगे, इसको खोल लिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे, अब इसको टाइट कर लेंगे। अब ये ओवरलॉक हो रही है, तो ये दोनों में से जो भी खराबी है आप देख के सही कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल है कमेंट करें।